अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ईयर बायो के लेक्चर में दोबारा से रिज्यूम कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो कि एक मतलब बड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, मुश्किल भी लगता है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इसका एक लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ जो मेरे चैनल पर मौजूद है, स्टार्ट का इंट्रोडक्शन का। तो आज इसका दूसरा लेक्चर है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन का आप सबको पता है, तो कार्बन हमारे लिए बड़ा ही ज़रूरी एलिमेंट है। हमारी बॉडी की बात करें तो इंसानी जिस्म में तकरीबन कार्बन की मकदार होती है 18%। तो आपकी बॉडी में 18% कार्बन है। ये कार्बन आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि मॉलिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होते हैं। अच्छा, ये कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा क्यों है? उसकी कुछ खसूसियात है जिनकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बड़ा अबंडेंटली पाया जाता है, और हमारी बॉडी में ज़्यादातर कंपाउंड वाटर को निकाल के बाकी के जितने भी कंपाउंड है ज़्यादातर वो ऑर्गेनिक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिंस, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब के सब क्या है? ऑर्गेनिक है। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन लाजमी है। अब कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकता। एक मिसाल आपको देता हूँ, बड़ी सिंपल सी लेकिन बड़ी आपकी आंखें खोल देगी, कि हमारी दुनिया में इस वक्त जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी सारे कंपाउंड, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, उनमें से सिर्फ कार्बन को एक साइड पर रख दे, बाकी के 117 एलिमेंट मिलकर उतने कंपाउंड नहीं बनाते जितना अकेला कार्बन बनाता है। तो कुछ बातें इसमें होंगी भाई खास, वही बातें हम देखते हैं। पहले ये कि कार्बन जो है ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये आपको पता ही है। सेंट्रल पोजीशन रखता है स्केल्टन ऑफ लाइफ में। यहाँ पे स्केल्टन ऑफ लाइफ से हमारी मुराद है एक्चुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्केल्टन, कार्बोहाइड्रेट का स्केल्टन, लिपिड का स्केल्टन। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें ये कार्बन की चेन जा रही है, इसके साथ बाकी डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हुए होंगे, लेकिन जो बेसिक चेन होगी वो कार्बन की होगी हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। कार्बन की इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं, ये आपने पहले सुना होगा। अच्छा भाई, सवाल मैंने उठाया कि वाई कार्बन क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि ये एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। भाई टेट्रावेलेंट के लफ्जी मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है कार्बन की 4 वेलेंसी है, कार्बन की 4 वेलेंसी है। 4 वेलेंसी का मतलब है कि इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम। अच्छा देखते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, इसके लिए हम कार्बन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये बेटा रहा कार्बन C12-6। 12-6 का मतलब है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 6, एटॉमिक मास जो है वो 12, एटॉमिक नंबर 6। ये कार्बन का एक एटम है। कार्बन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की बात करें वो कितने हैं? 6। इसलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अच्छा न्यूट्रॉन भी कितने हैं? वो भी 6 है। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करते हैं तो फिर हमारे पास ये एटॉमिक मास आता है, तो एटॉमिक मास 12 है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे भाई? 6 होंगे। ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6। तो कार्बन में आप देख रहे हैं कि बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, आउटर शेल में, आउटर मोस्ट शेल। तो आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा कि हर एटम को 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब कार्बन के पास कितने हैं? 4, इसको 4 और चाहिए। अब जितने चाहिए ये उतने बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि उसको 2 चाहिए। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 3 चाहिए, वो 3 बॉन्ड बना सकता है। यानी कि बॉन्ड बनाने की सलाहियत का फैसला वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो तो वो एटम उस इलेक्ट्रॉन को खारिज करके बॉन्ड बनाएगा और सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? 8 पूरे करने हैं। अगर 4 से कम हो तो एटम ने उनको खारिज करना होता है, अगर 4 से ज़्यादा हो फिर उनको लेना होता है। 4 की कंडीशन में कार्बन शेयर करता है, तो शेयर करने की वजह से कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है? हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा अब देखिए, कार्बन कैन रिएक्ट विद 4 अदर एटम्स या रेडिकल्स टू मेक रेगुलर टेट्राहीड्रॉन। कार्बन टेट्राहीड्रॉन बनाता है। टेट्राहीड्रॉन एक 4 कॉर्नर वाली डायग्राम को कहते हैं। यानी कार्बन जब रिएक्ट करता है तो यूं रिएक्ट करता है, ये एक कार्बन, ये 4 अदर एटम्स या
रेडिकल से रिएक्ट करता है। बेटा रेडिकल से मुराद होती है ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये एक कार्बन कितने एटम से रिएक्ट कर रहा है, देखिए चार और से, और एक रेगुलर शेप बन रही है, इस शेप को कहते हैं टेट्राहीड्रॉन। इसमें हर एक जो एंगल है वो होता है 109.5 का एंगल, यानी कि ये सारे एंगल्स बराबर होते हैं, और ये एक थ्री डायमेंशनल 3D शेप है। आप इसको यूं कह सकते हैं कि ये जैसे ये मेरे पास चार मार्कर है, तो ये मुख्तलिफ कॉर्नर्स की तरफ यूं जा रहे हैं लाइक ऐसे, एक 3D शेप की फॉर्म में, ठीक है। ये आगे पीछे है सारे रेगुलर एंगल्स बना रहे हैं। अच्छा भाई आगे देखते हैं, मजीद ये है कि कार्बन जो है ये सिंथेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स करता है। अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस स्टेबल बॉन्ड बनाने की वजह से कार्बन हमारे तमाम के तमाम सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे सेलों की मेम्ब्रेन्स, जैसे कि मेम्ब्रेन्स के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी डबल मेम्ब्रेन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो कार्बन बनाता है। फॉर्म चेन्स एंड रिंग, कार्बन कैटिनेशन की वजह से लंबी चेन्स बना सकता है, रिंग बना सकता है। इसमें जो CC बॉन्ड होता है, यानी कार्बन और कार्बन का बॉन्ड, ये एक बड़ा स्टेबल बॉन्ड होता है, और ये स्केल्टन बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब इधर मैंने कुछ ये बनाए हैं कार्बन के कंपाउंड, जैसे इस कंडीशन में कार्बन ने स्ट्रेट चेन बनाई हुई है। अब आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो यहाँ पर हर कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, चार बॉन्ड। तो देखिए हर कार्बन के मैंने चार चार बॉन्ड पूरे कर दिए, एक एक आपस में है, इस एटम के तीन बने, बाकियों के दो दो बने। अब कार्बन नॉर्मली हाइड्रोजन से भी रिएक्ट करता है, किसी और से भी, लेकिन अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करे फिर सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कार्बन ने एक स्ट्रेट चेन बनाई हुई है। अच्छा, स्ट्रेट चेन के अलावा कार्बन ब्रांच चेन भी बना सकता है, जैसे ये एक ब्रांच चेन है यहाँ पे, ये कार्बन के तीन एटम है एक चेन में, ये चौथा ये पांचवा, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे इस कार्बन के चार बॉन्ड पहले पूरे हो चुके हैं, तो बाकी जो कार्बन्स हैं उनके साथ तीन तीन हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं सब के साथ, तो कार्बन यूं ब्रांच चेन भी बनाता है। अब कार्बन रिंग भी बनाता है, जैसे ये क्लोज रिंग है, इस रिंग में छः कॉर्नर पे कार्बन है। अच्छा, हर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल, ये तीन सिंगल बॉन्ड तीन डबल बॉन्ड। अच्छा भाई, अब हर कार्बन के देखे तीन तीन बॉन्ड हो चुके हैं, तो इसलिए मज़ीद एक एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है कार्बन के साथ। तो ये आपको पता है किसका फार्मूला बन गया, ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना है जिसका नाम है बेंजीन। तो कार्बन हर तरह के बॉन्ड बनाता है, दो कार्बन जुड़ के, तीन जुड़ के, चार जुड़ के, 10 जुड़ के, 100 जुड़ के, 200, 500, 1000, लाखों कार्बन भी जुड़ के बहुत बड़े बड़े कंपाउंड भी बना सकते हैं। यानी कार्बन में पोटेंशियल है, एबिलिटी है बहुत वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स बनाने की। थोड़ा सा हम समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो हमने अभी कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, जब दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करें। जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया कि हर एटम की विश होती है कि उसके शेल में, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इस काम के लिए फिर वो बॉन्डिंग करता है। तो बाज़ औक़ात वो इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है, दूसरे को कम्प्लीटली दे दिया। जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने किसी दूसरे को दे दिया, अब मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि मेरे में इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उस पर नेगेटिव, हम दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये आयनिक बॉन्ड होगा। कार्बन कोवेलेंट बनाता है, आयनिक नहीं बनाता, इसकी वजह भी मैं आपको बताता भी हूँ कैसे बनाता है। देखिए भाई, कार्बन में चार इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन को या तो चारों के चारों निकालने पड़ेंगे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, या चार और लेने पड़ेंगे, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। तो कार्बन शेयर करता है, शेयरिंग की वजह से, जैसे ये एक फॉर एग्जाम्पल ये, अच्छा शेयरिंग यूँ होती है कि जैसे ये एक एटम है ए, इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, छः हैं बल्कि, ठीक है, छः। ये एक और एटम छः, इसके वैलेंस शेल में भी छः इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों अगर ए और ए क्लोज आए, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें, चार चार ना शेयर करें, तो इनको आठ पूरे हो जाएंगे। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल है। कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब वन पेयर को शेयर किया जाए, जब दो एटम म्यूचुअल शेयरिंग करें, यानी मिलकर शेयरिंग करें, और दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, यूँ दरमियान में एक पेयर आ जाए। सादा सी मिसाल है हाइड्रोजन की, देखो भाई हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन, ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को स्टेबल होने के लिए एक और चाहिए, क्योंकि पहले शेल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, क्लोज आते हैं और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन
शेयर कर लेते हैं आपस में दरमियान में। तो यूं ये बन गया इन दोनों के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको एक लाइन से शो करते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम मिलके दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6। स्टेबल होने के लिए दो और चाहिए, तो ये बेटा एक और एटम है, इसके वैलेंस शेल में भी कितने हैं? 6। इसको भी कितने चाहिए? 2। तो ये दोनों ऑक्सीजन क्लोज आएंगे और अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ये रहे, ठीक है, बाकी शेयर नहीं करेंगे, इसके बाकी के चार वैसे ही है। अब ये जो चार इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यानी कि दो पेयर शेयर हुए हैं, इसकी वजह से क्या बना? डबल बॉन्ड, जिसको यूं दो लाइनों से शो किया जाता है। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा जिसमें 3 पेयर शेयर होंगे, इसमें कितने पेयर? 3 पेयर्स शेयर्ड होंगे। जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन अपने 3 शेयर करेगा, दूसरा नाइट्रोजन भी 3 करेगा, 2 शेयर नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए जाते उनको कहा जाता है लॉन पेयर, जो शेयर किए जाए वो बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर शेयर हुए तो कितने बॉन्ड बने? ट्रिपल बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ किस्में हैं। इसी टॉपिक का अगला हिस्सा के कार्बन किन किन एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है, कार्बन के कुछ मशहूर बॉन्ड। तो 3 मशहूर बॉन्ड मैंने दिए हैं। पहले देखिए, कार्बन बॉन्ड यूजली बनाता है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, फास्फोरस से। ये कार्बन के कुछ मशहूर या कह लें कि फेवरेट एलिमेंट है, जिनसे उनको बॉन्ड बनाना बड़ा पसंद है। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या कहते हैं? ये जो CH बॉन्ड है, ये बॉन्ड एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स है। दिस बॉन्ड इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी इस बॉन्ड में बड़ी एनर्जी होती है CH बॉन्ड में। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे CH4 मिथेन है, तो इसमें देखिए कार्बन और 4 हाइड्रोजन है उसके साथ अटैच, तो आपको पता है इसमें बहुत एनर्जी है इस मीथेन में, ठीक है, इसीलिए ये गैस जलती है, हम इसको जला के रोटियां पकाते हैं, खाना बनाते हैं। तो इसीलिए हमारी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ है उनके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? CH बॉन्ड से। फॉर एग्जांपल आप रोटी खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें CH बॉन्ड है, वो बॉन्ड आपकी बॉडी में जाकर टूटेंगे, एनर्जी निकलेगी और उससे आप अपनी सारी एक्टिविटीज़, जैसे मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, हिल रहा हूँ, इसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी अल्टीमेटली CH बॉन्ड से आई है। CH बॉन्ड मैंने खाए थे, उनको तोड़ा गया मेरी बॉडी में, फिर उनसे ATP बना लिए गए, बाकी की मुझे एनर्जी ATP सप्लाई कर रहे हैं। तो CH बॉन्ड जो है, ये पूरी दुनिया के हर एनिमल के लिए एनर्जी सोर्स है। दूसरा CN बॉन्ड, ये किस में पाया जाता है? इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड, और ये बॉन्ड भी पाया जाता है प्रोटीन्स में। हम इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। 2 अमीनो एसिड को लिंक करता है ये, जैसे एक अमीनो एसिड, ये अगला अमीनो एसिड, तो इन दोनों अमीनो एसिड को लिंक कौन सा बॉन्ड करेगा? CN बॉन्ड, ठीक है। तो CN बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड को लिंक करके प्रोटीन्स बनाता है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। CO बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा भाई, ये बॉन्ड पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। किन में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में, और ये उनको लिंक करता है। जैसे ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल को जोड़ दिया जाए तो उससे बनता है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल को जोड़ा जाए तो उससे बनता होता है माल्टोज। तो इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? CO बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज अगर आपस में लिंक कर जाए, सपोज बहुत सारे ग्लूकोज इस तरह के ये आपस में लिंक कर गए, तो इससे फिर स्टार्च बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो इन सब के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? यही CO बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो ये कार्बोहाइड्रेट को लिंक करवाता है, और हमारी बॉडी में जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये तमाम कार्बोहाइड्रेट है बड़े बड़े, इनमें CO बॉन्ड होता है। लास्ट पे है कि कार्बन दो किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूल बड़ा है या छोटा है, उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा है या थोड़े हैं, उस बुनियाद पे दो किस्म के मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। लफ्ज मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा,
तो कार्बन छोटे मॉलिक्यूल भी बनाता है और बड़े मॉलिक्यूल भी बनाता है। पहले मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिनका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, और माइक्रो का वेट जो है वो लो होता है। अच्छा, मैक्रो मॉलिक्यूल जो है इनसॉल्युबल है, पानी में हल नहीं होते। वजह इनके ये होती है कि ये मॉलिक्यूल हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें जितने भी साइड पे चार्ज वाले ग्रुप होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं या वो सारे रिमूव हो जाते हैं, बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में हल नहीं होते। इसकी एग्जाम्पल है भाई स्टार्च, सेलुलोज, इसी तरीके से प्रोटीन, इसी तरीके से लिपिड्स, ये सब के सब क्या है, इनसॉल्युबल है, पानी में हल नहीं होते। तो जो चीज़ पानी में इनसॉल्युबल है उससे फिर सेल के स्ट्रक्चर्स बना लिए जाते हैं, जैसे ये सेल की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, सारा कुछ, ये सब चीज़ें किसकी बनी हुई है, बड़े मॉलिक्यूल्स की, ताकि सेल पानी में डिजोल्व ना हो। देखिए, हमने मकान बनाना है तो हमने किसी ऐसी चीज़ का बनाना है जो पानी में बारिश की वजह से डिजोल्व ना हो, ठीक है। तो कार्बन इसी तरीके से हमारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। दूसरा, इन बड़े मॉलिक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज। किन की स्टोरेज? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि स्मॉलर मॉलिक्यूल पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। अब सपोज हमने ग्लूकोज को स्टोर करना है, हम कहाँ स्टोर करेंगे? हर जगह तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, हम उसको किसी बड़े मॉलिक्यूल के मेम्ब्रेन के अंदर स्टोर करेंगे, ये इनका काम है। अच्छा भैया, माइक्रो मॉलिक्यूल लो मॉलिक्यूलर वेट हैं, छोटे होते हैं, पानी में इजीली सॉल्युबल होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी इन्हीं से मिलके बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है, याद रखें। जैसे अमाइनो एसिड मिलेंगे, क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो बेटा अमाइनो एसिड जो है वो फिर माइक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन जब बन गए वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से फैटी एसिड एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, वो अरेंज हुए, उन्होंने फैट यानी लिपिड बना दिए, ये फैट बड़े मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, छोटा सा होता है, ठीक है, जैसे कि AMP एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये सब के सब लिंक करते हैं और बना दिए इन्होंने डीएनए, तो डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स भी आपको देता हूँ, जैसे ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है, बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाए स्टार्च बन गया, और इसी तरीके से ग्लाइकोजन बना, सेलुलोज बना, वो सब बड़े मॉलिक्यूल है। यानी इन शॉर्ट ये जो छोटे मॉलिक्यूल है यही जुड़ते हैं, बड़े बनाते हैं। ग्लूकोज के मिलने पे स्टार्च बनता है, सेलुलोज बनता है, ग्लाइकोजन मिलता है, और फैटी एसिड के मिलने पे फैट यानी लिपिड बनते हैं, अमाइनो एसिड के जुड़ने पे प्रोटीन्स बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने पे डीएनए और आरएनए बनते हैं। अच्छा, बहुत से छोटे मॉलिक्यूल इनता ही अनस्टेबल होते हैं, इसकी मिसाल है एटीपी, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, हाईली अनस्टेबल है, इसको अगर आप, ये इतना अनस्टेबल है कि फौरन स्प्लिट हो जाता है और एनर्जी देता है, इसलिए स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है ये एनर्जी का इमीडिएट सोर्स होते हैं, यानी फौरन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, बड़े मॉलिक्यूल भी एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन उनसे एनर्जी बड़ी स्लो निकलेगी, क्योंकि पहले उनको तोड़ना है, उन बड़े मॉलिक्यूल को उनके बिल्डिंग ब्लॉक में, जैसे ये मकान है, इसकी ईंटें निकालनी है पहले, फिर हर ईंट को तोड़ना है, उसमें से CH बॉन्ड तोड़ने हैं, फिर एनर्जी निकलनी है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसके ऊपर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।